बैक टू इखराबाद। तो गाइस आइए, आज हमारी जो भतीजी है इखरा, तो इखरा का सवाल ये है कि चाचू हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह भरे जाते हैं, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम इखरा को और आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि हर किस्म का फॉर्म जो आता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जनरली आज जो फॉर्म सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है TET का फॉर्म। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको फॉर्म के बारे में बताने के पहले बताना फॉर्म किस तरह भरना है ये बताने से पहले आपको ये बता दूंगा कि TET इसका फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि टीचर्स बनने के लिए कंपलसरी, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर चुकी है। यानी कि फरवरी 2013 के बाद से लगे हुए भी टीचर्स और जो टीचर्स टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। यानी कि जो कैंडिडेट अगर TET का एग्ज़ाम पास नहीं है तो वो टीचर इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए हम जानते हैं कि फॉर्म किस तरह भरा जाए। कुछ ही देर में आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकेंगे कि फॉर्म किस तरह भरा जाता है। आइए, तो गाइस ये है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि TET इसकी वेबसाइट mahaTET.in, आप सबसे पहले इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप इस साइड में देख सकते हो लॉगिन, उसके लॉगिन और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है नवीन नोंदनी यानी कि रजिस्ट्रेशन। अब जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है तो वो लॉगिन इस पेज पर जाकर अपना TET ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके उनका रिमेनिंग फॉर्म फिलअप करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और जो नई नोंदनी करना चाहता है यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वो सबसे पहले नवीन नोंदनी यानी कि रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो गया। बेटी आप भी देख लो, हम देख ले जी। तो अब ये पेज ओपन होने के बाद में इसके लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन आएंगी, मी वरील सर्व सूचनांचे वाचन केले आहे आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 साठी आवेदन करू इच्छितो। यानी कि गाइस ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। हाँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नवीन नोनी इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। ये क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस आइए आज हम यहाँ पर हमारी भतीजी इखरा का एक डमी फॉर्म भर के हम आपको बताते हैं। तो इखरा बेटी आपका फर्स्ट नेम बताइए। इखरा IQRA। हाँ, पूरा नाम बताइए। इखरा फिरदोस। सो गाइस यहाँ पर हमारी भतीजी का नाम है इखरा फिरदोस मोहम्मद सिराजुद्दीन। तो जनरली गाइस कैसा होता है, मोमेडियम में नाम कुछ इस तरह होता है कि कैंडिडेट के नाम डबल होते हैं, यानी कि इखरा फिरदोस ये अलग अलग नहीं है, ये कैंडिडेट का एक ही नाम है। और इसमें मोहम्मद सिराजुद्दीन ये उनके पेरेंट्स का, उनके डैड का नाम है, उनके पिताजी का नाम है। तो मोहम्मद ये जनरली सरनेम में आता है, तो यहाँ पर हम डालेंगे इखरा फिरदोस FIRDOSE। अब मिडल नेम में डालेंगे यहाँ पर हम मोहम्मद और लास्ट नेम में डालेंगे सिराजुद्दीन। गाइस आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने नाम किस तरह से डाला है, यानी कि इसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड करके डाला है। अब जब मैं ये फॉर्म कंप्लीट करूँगा तो फॉर्म पर ऑटोमेटिकली वो नाम ले लेंगे इखरा फिरदोस मोहम्मद सिराजुद्दीन। तो गाइस अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आइए गाइस अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो हमें अंदाज़ा डालना पड़ेगा, क्यों तो हमारी भतीजी की उम्र बहुत कम है अभी और हम उन्हीं के नाम पर डमी फॉर्म भरकर आपको बता रहे हैं कि TET का फॉर्म किस तरह भरा जा सकता है। तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे 1986 ऑफ मे 10। ये डालने के बाद आप देख सकते हो गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है और ईमेल आईडी भी कंपलसरी है, यानी कि आपको एनी हाउ यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा और आपकी ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं हम 8
9999 6355 2। और उसके बाद ईमेल आईडी डालना कंपलसरी होता है, तो आइए ईमेल आईडी भी डाल देंगे हम यहाँ पर smsparvani.cse@gmail.com। सो गाइज ईमेल आईडी ऑलरेडी इन यूज। सो गाइज ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं फॉर्म भरने के बाद में ऐसा सोचते हैं कि एक ही ईमेल आईडी है, दोनों कैंडिडेट को लग जाएगा यूज़ करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसे साफ पता चलता है कि एक आईडी के लिए एक ही ईमेल आईडी, एक फॉर्म के लिए एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर कंपलसरी है। तो आइए हम यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज करते हैं, ईमेल आईडी दूसरी डालते हैं यहाँ पर smsparvani@gmail.com। ये डालने के बाद आप वो ईमेल आईडी एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर मैं सबमिट करने के बाद में मुझे डिस्प्ले पर ऐसा दिखाई मुझे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यानी कि आप सबमिट करना चाहते हो। अगर आप इसमें कुछ आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप नो भी कर सकते हो, या आप श्योर है कि ये एकदम इन्फॉर्मेशन राइट है तो आप यहाँ पर इसे यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर आपने जो डाला हुआ है और ईमेल आईडी जो डाली हुई है उसके ऊपर आपको मैसेज जाएगा जिसके अंदर आपका TET रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाता है। तो आइए अब मोबाइल पे मैसेज आता है आपको, मैं कुछ ही देर में मेरे मोबाइल स्क्रीन दिखाऊंगा उसके ऊपर मैसेज किस तरह आता है। सो गाइस यू कैन सी द TET रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इन माई सेल फोन। तो आप यहां से अपना TET रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि TET 21018039, दिस इज़ योर TET रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इज Capital V7 Capital M Small J Capital M Small J Small Z and Capital D, दैट इज़ योर पासवर्ड। सो एंड गाइस और एक बात आपको बताता हूँ, इफ़ एनी रीज़न आप अगर किसी वजह से आपका आईडी और पासवर्ड, आपका पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो पासवर्ड भूलने के बाद आप अपना पासवर्ड किस तरह से फॉरगेट कर सकते हो, या फिर अपना पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन आता है ये, आप यहाँ क्लिक करने के बाद में वो आपकी आईडी पूछेगा, आपकी आईडी पूछने के बाद में फिर आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिससे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो या भूला हुआ पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो। तो गाइज अभी फ़िलहाल तो हमारे पास में पासवर्ड अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट आपको लॉगिन करके बताएंगे कि फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। तो आइए यहाँ पर मैं जैसे आप जैसा देख सकते हो मेरे मोबाइल पर यहाँ पर पासवर्ड भी आ चुका है, तो ये पासवर्ड डालकर हम पहले अब मेरी आईडी को ओपन कर लेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। आइए मैं आपको लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। कैपिटल वी सेवन कैपिटल एम स्मॉल जे कैपिटल एम स्मॉल जे स्मॉल जेड कैपिटल डी। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर आईडी भी डाल दिया हूँ और पासवर्ड भी डाल दिया हूँ। आइए मैं इसे सबमिट करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या होता है। ये सबमिट करने के बाद में प्रोसेस ले रहा है अभी, वो प्रोसेस लेने के बाद में एक पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। सो गाइस मैंने रजिस्ट्रेशन में नाम डाला था इकरा फिरदौस मोहम्मद सिराजुद्दीन। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन योर नेम सो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, इफ़ यू वांट टू चेंज सो क्लिक यस। आप अगर इसको यस पे क्लिक करने के बाद में आपके नाम में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका नाम बिल्कुल सही है तो इसे इग्नोर कीजिए, नो करके आपका फॉर्म आगे भर सकते हो। सो गाइज अपने इस फॉर्म में पहला ऑप्शन आता है, इस पेज पे आप देख सकते हो पहला फॉर्म ऑप्शन आता है गाइज, इसके अंदर जिसके ऊपर रेड स्टार दिया हुआ है, इस तरह से ये रेड स्टार दिया हुआ है, ये कॉलम भरना आपके लिए कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी होता है, यानी कि आपको एनी हाउ आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें भरना ही होता है। सो गाइज आप इस पेज पर ये देखेंगे कि चेंज लास्ट नेम पर भी रेड स्टार है, लेकिन मैं उसको नहीं भरूंगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि तो मेरे नाम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। अगर मुझे अपने नाम में चेंज करना होता है तो मैं इसे यस करके आगे चेंज करना मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी मेरे नाम में चेंज नहीं है इसलिए मैं आगे के ऑप्शन पर जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो आप जेंडर लिंक, यहाँ पर आपको सेलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना होता है तो नीचे लिस्ट आ जाएंगी। अगर आप किसी लड़के का फॉर्म भर रहे हो तो मेल सेलेक्ट कीजिए, लड़की का फॉर्म भर रहे होंगे तो
फीमेल सेलेक्ट कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर हमारी इकरा का फॉर्म भर रहे हैं इसलिए यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली हुई है वो ऑटोमेटिक ले लेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस और एक है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं SSC सर्टिफिकेट नंबर। तो गाइस आपको SSC सर्टिफिकेट का एक सैम्पल बताता हूँ मैं। लोग क्या करते हैं यहाँ पर SSC का एक सीरियल नंबर आता है और एक सर्टिफिकेट नंबर आता है, तो जनरली लोगों को ये नहीं पता होता है कि सीरियल नंबर क्या होता है और सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर सीरियल नंबर सर्टिफिकेट के नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल देते। तो आइए आपको बताता हूँ मैं कि सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। सो गाइस यू कैन सी हियर दिस इज़ द सीरियल नंबर ऑफ योर सर्टिफिकेट एंड दिस इज द सीरियल नंबर ऑफ स्टेटमेंट। सो आइए हम गाइस यहाँ पर हम डालते हैं SSC का सीरियल नंबर जो हम अंदाजे से डाल रहे हैं गाइस। अब गाइस यहाँ पर होता है SSC ईयर ऑफ पासिंग यानी कि SSC उत्तीर्ण वर्ष म्हणजे तुमचा 10वी कोणत्या वर्षात झाला। तो आइए गाइस हम यहाँ पर डालते हैं 2004 नो गाइस 2000 1999 2000। सो गाइस मंथ SSC मंथ ऑफ पासिंग 10वी तुमचं कधी झाला त्याचा मंथ आपल्याला इथे टाकायचा, महिना कोणता होता तर इथे टाकू आपण मार्च। सो गाइस यहाँ पर डालना है आपको। सो गाइस अब यहाँ पर डालेंगे आप अपना सीट नंबर K101A2। तो गाइस अब यहाँ पर है डू यू हैव आधार नंबर, आप अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। गाइस हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप अपना TET का फॉर्म आपके आधार नंबर पर भी भर सकते हो और आपके पैन कार्ड पर भी भर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हम आधार नंबर नहीं डालकर आगे जाकर देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर मांग रहा है वो इनरोलमेंट नंबर। सो गाइस हम यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालते हैं, इनरोलमेंट नंबर भी हम यहाँ पर अंदाजे से डालेंगे गाइस 2006221281156। तो गाइस अब यहाँ पर आपकी नेशनलिटी, आप इंडिया से हो इंडियन करेंगे या किसी और आप ये स्टेट से हो तो आप ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर इंडियन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात का म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्राचे आहेत का प्रॉपर, इथे ऑटोमॅटिक यस लिहिलेलं आहे। जर तुम्ही महाराष्ट्राचे नसेल तर इथे नो करून पुढे तुमचा जे काही असेल तर ते तुम्ही तिकडे टाकू शकतात म्हणजे तिकडे तुमचा सर्टिफिकेट नंबर हे सगळे इन्फॉर्मेशन भरावं लागतं। सध्या तर माझ्याकडे तसं कोणी कॅन्डिडेट आला नाही म्हणून तो ऑप्शन मी आतापर्यंत वापरलेला नाही, आता इकडे आपण यस करून पुढे जाऊ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वे नंबर एरिया बिल्डिंग लैंडमार्क, सर्वे नंबर क्षेत्र गली घर क्रमांक एंड लैंडमार्क म्हणजे इथे काय असते। तो हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होता है, तो हम यहाँ पर आइए हमारा एड्रेस डालेंगे गंगा खेड़ रोड नियर गंगा खेड़ रोड सिटी परभणी पोस्ट ऑफिस परभणी। अब गाइस इसमें और एक आपको बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ कैंडिडेट होते हैं ग्रामीण भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं होता है, तो उन कैंडिडेट ने क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा गांव है असोला, असोले को अगर पिन कोड है कोई और गाँव पेड़ गाँव है तो मुझे यहाँ पर मेरा शहर का नाम असोला डालना पड़ेगा और पोस्ट ऑफिस का नाम पेड़गांव डालना पड़ेगा। अब हमारी इकरा तो यह प्रॉपर परभणी की होने की वजह से
यहाँ पर पोस्ट ऑफिस अवेलेबल होने की वजह से हम विलेज भी परभणी डालेंगे और पोस्ट ऑफिस भी परभणी डालेंगे। अब हमें यहाँ पर करना है सेलेक्ट राज्य स्टेट, तो हम महाराष्ट्र राज्य से, इसीलिए हम यहाँ पर महाराष्ट्र लेंगे। कोई और अगर किसी और राज्य का होगा तो अपना राज्य यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो आइए, अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ज़िला। ज़िला अब आपका जो भी ज़िला है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे परभणी। परभणी अब यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट करना होता है। तो गाइस, पिन कोड उसी को होता है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस होता है, उसको पिन कोड अलग होता है। जैसे कि परभणी है, परभणी शहर है, परभणी शहर को पोस्ट ऑफिस होने की वजह से, तो गाइस यहाँ पर परभणी को पोस्ट ऑफिस होने की वजह से इसका पिन कोड होगा 431401। और ग्रामीण भाग में पोस्ट ऑफिस अलग अलग होते हैं, जैसा असोला है, असोले को पोस्ट ऑफिस है, उसका पिन कोड होगा 431402। उसी तरह से जहाँ पिन कोड है वहाँ का, जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ का पिन कोड अलग होगा। तो आइए हम यहाँ पर डालते हैं 431401 और नेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें देना है कास्ट इन्फॉर्मेशन। अगर कैंडिडेट कास्ट में है तो यहाँ पर कास्ट डालेंगे आप। कैंडिडेट अगर ओपन है, जनरल कास्ट में है, तो आप यहाँ पर खुला सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, डिफरेंट डिसेबल दिव्यांग आहेत का, जर असेल तर हो करा, नसेल तर नो करा। इथे आपण नाही म्हणून आम्ही इथे नो करायले। आता पुढे जाऊ आपण, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। जर तो गाइस, अगर आप यहाँ पर दिव्यांग में नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। नो करने के बाद आपको आगे का कोई भी कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप होगा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक पात्रता। तो गाइस, आप यहाँ पर कोर्स नेम, आप 10th है SSC, आप यहाँ पर SSC डालोगे। यहाँ पर बोर्ड का SSC डालेंगे, यहाँ पर बोर्ड का नाम डालेंगे, आपका औरंगाबाद है औरंगाबाद, पूना है पूना, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालोगे। ऑप्टेन मार्क, प्राप्त गुण, म्हणजे तुम्हाला किती मार्क भेटले ते टाकायचे, आणि कितीमधून भेटले हे इथे टाकायचे। तसंच नेट आणि इथे जे तुमचा पर्सेंटेज आहे ते आपोआप येऊन जाईल। आणि सेकंड ऑप्शन आहे तुमच्या HSC, HSC-मध्ये आपण कोर्स नेम इथे HSC टाकायचं, पुढे तुमचा बोर्ड जे आहे ते औरंगाबाद आहे औरंगाबाद टाकायचे, तुमचं जे काही असेल ते तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर उत्तीर्ण वर्ष, आता 10th दोन वर्षानंतर तुमचा 12th HSC-च्या उत्तीर्ण वर्ष येते, कोणी नापास झाले तर त्यांचं पुढे पण येऊ शकतात। तर जे काही आहे तुमचं तुम्ही इथे टाकून पुढे ऑप्टेन मार्क, किती मार्क भेटले, कितीमधून किती मार्क भेटले इथे टाकायचे, कितीमधून भेटले इथे टाकायचे, तर इथे पुढच्या कॉलममध्ये तुमचा पर्सेंटेज जे आहेत ऑटोमॅटिक येऊन जाईल। आता तुम्ही शेवटच्या कॉलममध्ये बघू शकता सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाणपत्राचा क्रमांक। आता 10th आपण वरी टाकलेला आहे म्हणून इथे ऑटोमॅटिक घेतला, आता 12th तुम्हाला इथे स्वतः टाकावं लागेल। तर नेक्स्ट आपण इथे बघू शकता गाईस, ग्रॅज्युएशन। सो इथे पाहू शकता तुम्ही ग्रॅज्युएशन, तर त्याचप्रमाणे तुमच्या विद्यापीठाचं नाव टाकून, ग्रॅज्युएशन कशामध्ये झालं ते टाकून, विद्यापीठाचं नाव टाकून, किती मार्क भेटले, सेम वरी आपण जसं माहिती भरली तशी माहिती खाली पण भरायची। पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाला तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन टाका, आणि अदर काही कोर्सेस झाले असेल तर ते पण तुम्ही इथे टाकू शकता। सो आवर नेक्स्ट इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, म्हणजे व्यावसायिक पात्रता काय तुमची, म्हणजे कोणाचं DEd असते, कोणाचं BEd असते। आता DEd, पहिले DEd होता, आता DTed झाला, तर ते तुम्हाला कोर्सचं नाव टाकून, विद्यापीठाचं नाव टाकून, इयर ऑफ पासिंग टाकून, हे जे तुम्हाला इथे दिलेलं आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचे प्राप्त गुण हे सगळे टाकून तुम्हाला पुढचा प्रोसेस कंप्लीट करावा लागेल। आता काय तुम्ही इथे पाहू शकतात ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्टमध्ये तुम्ही इथे पाहू शकतात मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स, सोशल सायन्स। आता जनरली BEd आणि DEd केलेले कोणी, कोणाचा मेथड मॅथ असते, कोणाचा मेथड सायन्स असते, तर ते मॅथ आणि सायन्स घेतात। कोणाचा उर्दू, हिस्ट्री आणि इतर कोणतेही असते तर ते सोशल सायन्स घेतात, तर आपण इथे सोशल सायन्स घेऊ। आणि त्यानंतर इथे एक कॉलम येते, आता ते वरचा कॉलम भरल्यानंतर तुम्हाला इकडचा एक कॉलम येईल, फ्रॉम विच लेवल ऑफ TET यू वॉन्ट टू अप्लाय, म्हणजे इथे काय येते, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। जर तुमचा BEd असाल तर BEd कॅन्डिडेट काय करतात, दोन्ही पेपर घेतात, बोथ पेपर घेतात। आणि DEd कॅन्डिडेट काय करतात, पेपर फर्स्ट घेतात, कोणी पेपर सेकंड घेतात।
पेपर फर्स्टला 20 असती 400, पेपर सेकंडला असती 400, आणि बोथ जर तुम्ही दोन्ही घेत असाल तर त्याची फीस असती 800 रुपये. तर त्याप्रमाणे आपण करून मग पुढे जाऊन इथे आपली भाषा सिलेक्ट करायची. मराठी माध्यम कॅन्डिडेट जे असतात ते मराठी माध्यम घेतात, जे इंग्रजी मीडियमचे असतात ते इंग्लिश घेतात, आणि जे उर्दू मीडियमचे कॅन्डिडेट असतात ते उर्दू पण घेऊ शकतात. आणि उर्दू घेतल्यानंतर त्यांना दुसरी लँग्वेज इंग्लिश घ्यावंच लागेल. तसेच इथे सेकंड आपण इकडे बघू शकतात, सिलेक्ट आयडेंटिटी प्रूफ. आता वरी आपण आधार कार्ड नाही म्हणून टाकले होते, तर आता आपल्याला इथे पॅन कार्ड आहे म्हणून टाकावं लागेल. आणि ते टाकल्यानंतर इथे आपल्याला आयडेंटिटी प्रूफ नंबर म्हणजे तुमचा पॅन नंबर टाकून पुढे आहे तुमचा फोटो. सो गाइस हमें यहाँ से चूज फाइल करके, पहले फोटो को हम साइज में लेंगे, चूज फाइल करके यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे अपने जो भी हमने फ़ोटो सेव करने का ऑप्शन दिया है वहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटो पे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे. आप देख सकते हो मैंने साइज़ में नहीं लिया, इस वजह से यहाँ पर फोटो साइज़ अप टू 100 KB आ रहा है. तो गाइस एक डेमो फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि फॉर्म किस तरह से भरा जाता है हम ये वीडियो बना रहे हैं. तो अब सेम उसी तरह से आप एक ब्लैंक पेपर पे आपकी साइन करके उसको साइज़ में लेकर यहाँ से आप साइन सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे. और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका कैप्चर कोड जो दिया जा रहा है उसे अच्छी तरह से देखकर आप इस तरह कैप्चर कोड यहाँ पर डालेंगे. कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर आप फिर से सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू करेंगे. इसके बाद आपको प्रीव्यू का यानी कि आपको पुनः तपासनी का एक फॉर्म ओपन होगा. आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, आपका अगर कहीं करेक्शन हो तो आपको एक चांस होता है, आप वहां जाकर अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हो. उसके बाद आप अगर सेटिस्फाइड है कि ये फॉर्म पूरा सही भरा गया है, उसके बाद आप नेक्स्ट करके प्रोसीड टू पे पर आ सकते हो. प्रोसीड टू पे पर आके आपके नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जो भी आपका पेमेंट मेथड है उस पेमेंट मेथड के थ्रू आप अपना फॉर्म फीस पे करके फॉर्म की प्रिंटआउट निकाल सकते हो. सो गाइस ये था TET का फॉर्म किस तरह से भरा जाए, ये वीडियो था. बेटी एकरा, इस तरह से TET का फॉर्म भरा जाता है. तो गाइस अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी किस्म की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. उसके ऊपर एड्रेस दिया है, जो प्रॉपर के लोग हैं वो मेरे पास डायरेक्ट आकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं. किसी को प्रॉब्लम आया तो आप मुझे फ़ोन करके प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये बता सकते हो. इसके लिए आपके पास एनी डिस्क होना ज़रूरी है ताकि मैं एनी डिस्क में रिमोट लेकर आपको बता सकूँ कि फॉर्म में क्या अड़चन आ रही है और उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए. और गाइस साथों साथ अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें.